मिलेगी। देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी की खास पेशकश आमने सामने में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। और आपने एक बात सुनी कि देश बदलने का मौका बार बार नहीं आता, यानी कि योगेंद्र यादव। और आज हम आपके लिए योगेंद्र यादव को ही लाए हैं जनता टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहले योगेंद्र यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, क्योंकि अब तो आप राजनीतिज्ञ हो गए हैं तो वक्त की थोड़ी सी कमी होती है। जिस तरीके से अगर हम आपसे ही बातचीत शुरू करें, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके लिए एक वर्ड का यूज होता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे आप। सर्वेज की बात करें हम, और जो आपका बैकग्राउंड रहा कि ठीक है, आज भले ही आप एक कैंडिडेट रहे और आपने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अगर मैं इतिहास जानूं या उसको लेकर आगे बढ़ूं तो आप सर्वे किया करते थे और चर्चा हुआ करती थी तमाम मीडिया संस्थान के साथ। इस वक्त का, उस दौर से अभी तक का एक्सपीरियंस, बीइंग अ साइंटिस्ट और स्टिल आप एक पॉलिटिशियन बन गए हैं, और अब तो आपने चुनाव भी लड़ लिया, वो भी सांसद का। जीनत जी, मैं कहता हूँ कि पहले मैं भविष्य बताने का काम किया करता था, आजकल भविष्य बनाने का काम कर रहा हूँ। और ये दूसरा काम जो है, इसमें बहुत खुश हूँ। खूब मेहनत है, दिक्कत है, तमाम तरह की उठपटांग हरकतें भी होती रहती हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत सार्थक काम है। और वैसे भी हमारे देश की जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसमें पॉलिटिक्स की सेंस बहुत कम है। तो पॉलिटिक्स साइंस एक तरफ है, पॉलिटिक्स की सेंस दूसरी तरफ है। और मैंने आके तो ये सीखा कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कितना कम आता है। मैंने ये सीखा कि मुझे अपने इलाके के बारे में भी कितना कम आता है। ये सब सीखा। हालांकि मेरे बारे में ये नहीं है कि मैं पहले पॉलिटिक्स से कोई खास ताल्लुक नहीं रखता था। पिछले 30 साल से मेरा देश के तमाम जन आंदोलनों से बहुत पुराना रिश्ता है। तो मेरे दोस्त तो कहा करते थे, एक खास आंदोलन वाले जो लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, वो मुझसे पूछते थे तुम टीवी में क्या करते हो। और वो टीवी वाले दोस्त कहते थे कि तुम ये गाँव में भाग भाग के कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तो वो दोनों खत्म हो गए हैं, उस लिहाज से ज्यादा सार्थक जीवन है। बिल्कुल सार्थक जीवन है। गुजारिश हमारे दर्शकों से यह है कि बिल्कुल भी दूर मत होइएगा अपने टीवी सेट से। बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हैं जो आपके जहन में हैं, और वो भी है जो हम सोचते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव तो खास है, उससे ज्यादा खास ये है कि आम आदमी पार्टी क्या बदल गई है, या फिर हम ये कहें कि चीजें जो है अब धीरे धीरे तब्दीलियां आ रही है। योगेंद्र जी, जिस अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आम आदमी का जब उदय होता है, अन्ना मूवमेंट का जिक्र होता है, उस वक्त आप राहुल गांधी को पॉलिटिक्स सिखा रहे थे, आप उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और सडनली आप अन्ना मूवमेंट में आते हैं, उसके बाद चीजें आती हैं, और स्टिल का एक्सपीरियंस क्या है आज भले ही आप अगेंस्ट में हो कांग्रेस के? पहली बात तो कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और ये सब चीज़ें कुछ मैगजीन में छपा करती थी, और जब एक आधे ने छापी थी मैंने उसको लिख के कॉन्ट्रडिक्ट भी कर दिया था। लेकिन ये कुछ होता है, कुछ तक में चलते रहते हैं, और एक स्टेज के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आजकल वो चल निकला है चाणक्य ब्रेन, ये सब, ये भी बात सच नहीं है, वो भी बात सच नहीं थी। लेकिन अन्ना मूवमेंट के दौरान तो पहले दिन से मैंने कहा था कि ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। जब मैं उसमें साथ नहीं था तब भी मैंने कहा शुभ संकेत है, रामलीला मैदान में जाके बोला भी, समर्थन भी दिया, और साथ में पहले दिन से ये भी कहा था कि इसे राजनीतिक होना पड़ेगा। इस देश में भ्रष्टाचार का विरोध करना है तो आप राजनीति से परहेज नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनीति में है, आपको तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा। तो उस तरह से अन्ना मूवमेंट के दौरान से साथ बना, और जब अंत में फैसला हुआ कि इसे राजनीतिक दल बनाना है, क्योंकि मेरा ही बार बार ये आग्रह था कि राजनीतिक होना चाहिए, तो मेरे बाहर रहने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो उस दिन से मैं पूर्णकालिक इसमें शामिल। लेकिन फिर आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि आप कपिल सिब्बल के बहुत करीबी रहे, कई चाहे यूजीसी से आपके, जब आप यूजीसी में भी काम करते थे, फिर वहां से ये हुआ कि आप जब अन्ना मूवमेंट में आते हैं तो सडनली आपको वहां से बर्खास्त किया जाता है तमाम चीजें। अब ये माना जाता है कि अब जो वजह गिनाई जाती है वो ये कि अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या मूवमेंट में जा रहे हैं तो कहीं आप माहौल को पॉलिटिकल ना कर दें, ये एक रीजन गिनाया गया था उस वक्त। दो अलग चीजें हैं, एक तो ये कि मैं कोई कपिल सिब्बल का नजदीकी था तो भाई कोई राजनीतिक नजदीकी का कोई तो प्रमाण होगा। दिक्कत इस देश में ये हो गई है कि अगर कोई सरकार किसी व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे किसी जगह पे रखती है, यूजीसी प्योर शैक्षणिक, मैं चुनाव विश्लेषण के अलावा किताबें भी लिखता रहता हूँ, दुनिया में भाषण भी देता रहता हूँ, उन चीजों के आधार पे अगर मुझे कोई दिया जाता है तो लोग उसको सीधा समझते हैं कि ये सरकार के नजदीक है। अब उसकी राजनीतिक नजदीकी का कोई तो प्रमाण हो,
कभी कभार हम ये भी माने कि भाई किसी व्यक्ति को कोई काम करने के कारण चीजों को दिया जाता है। और रही बात यूजीसी से निकालने की, मैंने तो खुल के सरकार को पहले दिन यूजीसी ज्वाइन जिस दिन किया था उस दिन मैंने इन्हें बता दिया था कि ये जब पार्टी ज्वाइन की मैंने खुल के कहा था कि साहब मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा, आप बता दीजिए आपको ये बात पचती है नहीं पचती है, नहीं तो मैं आराम से छोड़ ही दूंगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह का वो किया, वो चाहते थे कि मैं खिलौने की तरह व्यवहार करूं, वो मैंने इंकार कर दिया, उन्होंने हटाया। मैंने कहा अच्छी बात, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की चीजें होती हैं, हम ये कहें कि दबाव और ये तमाम चीजें ये हैं। और मुझसे पहले भी यूजीसी के मेंबर तो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले रह चुके हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बनाई कि जैसे पहली बार कोई व्यक्ति यूजीसी में पार्टी में जा रहा है। मगर मुझे लगा कौन इसकी लीगल लड़ाई इनसे लड़े, हमें राजनीतिक लड़ाई। ये भी एक नई चीज है जो हमें समझनी होगी, क्योंकि शिक्षा की बात होती है, शिक्षा रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अगर ये चीजें हैं तो कितनी अच्छी और कितनी मजबूत होगी वो आप समझ सकते हैं। जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सांप्रदायिकता और हमें कहें कि हाई कमांड कल्चर, इन सब को खत्म करना है आम आदमी पार्टी का एजेंडा था, और आज है या नहीं इस पर सवाल उठते हैं। क्यों ऐसा, क्या हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर हम दिल्ली इलेक्शंस को देखें, अभी असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उसमें आप नो डाउट जब कैंडिडेट्स उतारते हैं तो बहुत हमें कहें कि हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं, लेकिन लोकसभा में जब आप कैंडिडेट्स उतारते हैं लोकसभा चुनावों के लिए, तो वो आम नहीं वो खास रह जाते हैं। चाहे मैं गुलपनाग का जिक्र करूं, चाहे मैं जावेद जाफरी का जिक्र करूं, और ये भी आरोप लगते हैं कि भाई सीट्स तो पहले से ही तय थी, ये था कि भाई योगेंद्र यादव हैं और अहिरवाल क्षेत्र है तो भाई गुड़गांव ही देंगे। क्या ये क्या थी ये तमाम चीजें, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इस तरह के आरोप हैं? अगर आप राजनीति करेंगे, सार्वजनिक जीवन में रहेंगे और आप पे आरोप न लगे, इसका मतलब है कि आप राजनीति कर नहीं रहे, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। सवाल यह कि आरोप में दम है कि नहीं। हमने 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया, 433 उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया। अब मीडिया की निगाह में, क्योंकि मीडिया आमतौर पे इनको पहचानता नहीं है, तो मीडिया को दिखाई दिए उसमें से 10-15 नाम, क्योंकि मीडिया वालों ने देखा वो किसका नाम पहचानते हैं। अब कोई हमारे जो उम्मीदवार हैं पटियाला के, धर्मवीर गांधी, उनका नाम तो पहचानते नहीं होंगे, उन्हें पहचाना है गुलपना का नाम। तो 433 में से आपने पहचाने 15, और आपने पलट के कहना शुरू कर दिया कि आपने केवल इसी तरह के लोगों को क्यों टिकट दिया। मैं पलट के पूछूंगा कि आपने बाकी 418 का नाम भी देखा? जहां जहां आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने पहली बार इस देश में सामान्य लोगों को टिकट दिया है। आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा की जो 10 सीटें हैं, 10 में से 7 या 8 बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता हैं, मीडिया ने जिक्र भी नहीं किया। एक आईएएस ऑफिसर थे, क्योंकि मीडिया वाले केवल उसके बारे में जानते थे, उन्होंने पलट के पूछना शुरू किया कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया। मैं वाकई चाहता हूँ मीडिया की निगाह में, वैसे तो मीडिया इस देश का मालिक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनेता बेचारे इसके सामने झुकते हैं। हकीकत यह है कि दरअसल मीडिया की जो अनभिज्ञता है, इग्नोरेंस है, इस देश के इतने अच्छे काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में आए, कैंडिडेट बने, जिन्हें कोई पार्टी कभी कैंडिडेट बना नहीं सकती थी, उन लोगों को हमने कैंडिडेट बनाया। चर्चा उनकी नहीं हुई, चर्चा हुई केवल उनकी जिन्हें मीडिया पहचानता था। तो थोड़ा आप भी अपना दायरा बढ़ाएं, नहीं हम भी कुछ बिल्कुल नहीं, हमें हमारा दायरा बिल्कुल बढ़ाना होगा। आपने जो बात कही, आपने कहा कि वो जो 10 नाम है उस पर मीडिया ध्यान देता है। चलिए, सहारनपुर से योगेश दहिया, उन पर आरोप कि भाई 300 करोड़ का मुआवजा जो है किसानों का उन्होंने रख लिया। अगर मैं ये कहूँ बुलंदशहर से साबिर राही, जिक्र होता है कि भाई 28 मामलात उन पर दर्ज हैं अपराध के। और आपने हरियाणा का जिक्र किया, अगर मैं युद्धवीर सिंह खयालिया का जिक्र करूँ, ये वही आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा डील को क्लीन चिट दे दी थी। अब अगर आम आदमी पार्टी युद्धवीर खयालिया को टिकट दे रही है तो सवाल उठेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहते हैं कि भाई रॉबर्ट वाड्रा के बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं थी खुलासा करने की, हमने किया, इस वजह से ये सवाल उठते हैं। दो तीन चीजें, एक तो आपने योगेश दहिया जी वगैरह का जिक्र किया, आप कभी मिलने की कोशिश कीजिए, ये जो बाहर से जो छवियां बनाई जाती हैं, इतना ईमानदार और सिंसियर कार्यकर्ता किसान आंदोलन का आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। कागज पे देख के आप लोग इमेज बनाते हैं, कागज पे इमेज बना दिया जाता है एसपी उदय कुमार का, उनके खिलाफ 300 मुकदमे हैं, हमारे क्या पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या उसका दोष है? वो आदमी अपना कैरियर छोड़ के परमाणु एक वो बन रहा है वहाँ
कर्नाटका में वो बन रहा है यंत्र, और उन्होंने प्लांट बन रहा है, उन्होंने कहा कि लोगों की राय लिए बिना नहीं करना चाहिए। सरकार ने रोज सुबह शाम उनके खिलाफ मुकदमे बनाने शुरू किए, 300 केस हैं उनके खिलाफ। मेरे विचार से वो आज का गांधी है वो आदमी, 300 की बजाय 1000 केस होंगे तब भी मैं कहूंगा महात्मा गांधी से ज्यादा अहिंसा में विश्वास करने वाला। गांधी जी का जिक्र किया है तो मैं गांधी जी से जुड़ा एक सवाल आपसे ले लेती हूँ। गांधी जी की विचारधारा की अगर हम बात करें या फिर उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमें संयम रखना चाहिए, हमें धीरे धीरे सिस्टमैटिकली चीजें करनी चाहिए, फिर आम आदमी पार्टी में इतनी तत्परता क्यों चीजों को लेकर, चाहे दिल्ली इलेक्शंस के बाद जो नो डाउट कि एक अच्छा मैसेज गया सोसाइटी में, बदलाव की बात हुई, आम आदमी पार्टी का उदय होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें सरकार गिराने तक की बात और फिर ये माना कि वाकई गलती हुई, जल्दबाजी कर दी। संयम और तत्परता तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है ना, जिसमें वाणी में संयम होना चाहिए और काम में तत्परता होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए ना। और अगर हमसे कहा गया कि आपने चुनाव लड़ने में इतनी तत्परता क्यों की, जी जी, न लड़ते तो आप ही मुझसे पूछ रही होती कि आपने फला जगह क्यों नहीं लड़ा, जरूर इसमें कोई खेल है, आप इसको समर्थन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती। राजनीति ऐसे ही है, वो कहानी है ना, वो गधे की और दो बाप बेटे की। बाप गधे पे बैठा तो लोगों ने कहा कैसा बाप है, बेटे पे रहम नहीं कर रहा। बेटे को बैठा दिया तो कहा देखो बाप की इज्जत नहीं करता। दोनों बैठ गए तो कहा देखो कैसे बेरहम है, एक गधे के ऊपर बैठे हुए। दोनों उतर गए तो लोगों ने कहा ये गधे हैं कि वो गधा है, दोनों पैदल चल रहे हैं। राजनीति तो यही है, आप पे आरोप हमेशा लगेंगे। आपको अपनी आत्मा से पूछना होगा कि आप जो काम कर रहे हो सही है या नहीं है, जनता के सामने सारे प्रमाण रख देने होंगे। धीरे धीरे जनता सब जान जाती है, पब्लिक है, सब पहचानती है, पब्लिक है, सब चीजों को ठीक कर सकती है। चलिए, पब्लिक की बातें हो रही हैं और पब्लिक से जुड़े सवाल भी लेंगे और भी तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी आती है और चीज़ें जो है एक एतबार की बात होती है और बहुत ज़्यादा विश्वास भी जगता है जनता में, लेकिन अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार नेगेटिविटी भी उभर कर सामने आती है। योगेंद्र जी, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, एक मैं ये कहूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी में अब बिखराव क्यों हो गया और इतना ज्यादा क्यों? कहाँ हुआ बिखराव, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, क्या आप, हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी पार्टी से अश्विनी उपाध्याय हैं पार्टी में, आपके अब चाहे जिस दिन हमें कहें कि फाउंडेशन जब पड़ती है पार्टी की और संस्थापक सदस्य रहते हैं और फिर अलग होते हैं, इवन वो उस कमेटी के भी सदस्य थे जो कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे थे, 8 लोगों की जो आपकी टीम थी, अगर हम उनके विरोध की बातें सुनते हैं और तमाम जो आरोप वो लगा रहे हैं, इवन फंडिंग को लेकर बातें आ रही हैं। जी नीत जी, मैं बताऊं, वैसे तो आप प्रसिद्ध हैं टीवी पे, अगर आप प्रसिद्ध ना होती और आपको प्रसिद्ध होना होता तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कहिए मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ, कोई आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आप थी भी कब उस पार्टी में। हकीकत ये है कि जो जो लोगों की बात हो रही है उनका आम आदमी पार्टी से संबंध क्या है ये स्पष्ट नहीं है। अश्विनी जी प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रसिद्धि बहुत बढ़िया चीज़ है। अश्विनी जी आम आदमी पार्टी की किसी भी निर्णय लेने की समिति के मेंबर नहीं थे। आपकी बिल्कुल गलत सूचना है, ये जो 8 लोगों की सूचना कमेटी थी कैंडिडेट सिलेक्शन वाली, अश्विनी जी कभी उसके मेंबर नहीं थे। पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, अश्विनी जी हमारी किसी जिला कार्यकारिणी के मेंबर भी नहीं है, राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए। अब ऐसा व्यक्ति फेमस क्यों हो जाता है? फेमस इसलिए हो जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के बारे में बुरी बातें कहने को तैयार है। आज तो आम आदमी पार्टी के बारे में आप पत्थर उछाल दीजिए, आपको उस पब्लिसिटी मिल जाएगी, धन्य हो इस देश का मीडिया, लेकिन मैं समझता हूँ कभी तो सच्चाई आएगी, कभी तो लोग समझेंगे। तो ये अश्विनी जी वाला सारा मामला है, मैं तो रोज अखबार में पढ़ता हूँ, हंसता हूँ। यानी कि अगर हम आपकी बात को माने जो आप कह रहे हैं, यानी कि हमें कहें कि भाई अश्विनी जी ने ये चीजें पब्लिसिटी के लिए की हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात, आप एक क्वेश्चन मीडिया पर उठा रहे हैं। देखिए, ये ही वो मीडिया है जिस पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगाते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कुछ नहीं थी, एक एनजीओ भर माना जाता था। और इवन मैं बीजेपी के नेता जगदीश मुखी का एक स्टेटमेंट यहाँ पर जरूर यूज करना चाहूंगी, वो कहते हैं कि हम एनजीओ समझा करते थे लेकिन अब नहीं समझेंगे। तो इस चीज को हम आपसे, मैं इस वजह से जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि भाई मीडिया जो है, मीडिया की बात हो रही है, मीडिया पर आरोप लगते हैं। मैं आपको काट के एक साधारण बात पूछूं? नहीं, मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगी योगेंद्र जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया से कहते हैं कि आपने अरविंद केजरीवाल को बनाया, आपने आम आदमी पार्टी को बनाया, तो मीडिया तो कहीं पर भी सेफ नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी बिल्कुल।
आप कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति का बयान छापेंगी जो ना तो AICC का मेंबर है, ना स्टेट का मेंबर है, ना जिले कार्यकारिणी का मेंबर है, वो खड़ा होकर राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में बयान देगा तो आप उसको घंटों तक टीवी पे दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। बीजेपी का नहीं कर, सिर्फ आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा क्यों होता है? जो व्यक्ति आम आदमी के बारे में छिछली बात कहने को तैयार हो, आरोप उछालना तैयार हो, वो व्यक्ति अचानक टीवी पे इतना बड़ा कैसे हो जाता है? मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूँ, आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा। आपके पास इस सवाल का बहुत अच्छा उत्तर होगा, आप जरूर उत्तर दे दीजिए, वो अचानक महत्वपूर्ण क्यों बन जाते हैं? जो लोग आम आदमी पार्टी में शामिल कब हुए मुझे पता नहीं, उन लोगों का इस्तीफा खबर बन जाती है। रोज सुबह मैं देखता हूँ, फिर मैं हंसता हूँ कि भैया बहुत अच्छी बात है। आज हो ये गया है, और ये सब मामला 2-1 हफ्ते का है, फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिस तरह की चैलेंज थी, जिस तरह की थ्रेट थी बड़ी पार्टियों को, उसको लेके एक बहुत बड़ा खेल इस देश में हुआ है आम आदमी पार्टी को डुबाने का। लेकिन आम आदमी पार्टी डूबेगी नहीं, क्योंकि आम आदमी नहीं डूबेगा इस देश का, ये धीरे धीरे हो जाएगा। रही बात मीडिया के चरित्र की, मैं समझता हूँ मीडिया का चरित्र और पत्रकार का चरित्र दो अलग चीज़ें हैं। इस देश का पत्रकार अमूमन ईमानदार होता है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर ईमानदार होते हैं, लेकिन इस देश का मीडिया क्या करता है ये पत्रकार पर निर्भर नहीं करता। पत्रकार तो बेचारा छोटा अदना सा कर्मचारी है उसके अंदर, ये इस पर निर्भर करता है कि मीडिया का मालिक कौन है, मालिक का मीडिया में पैसा कौन लगा रहे हैं, टीवी चैनलों में पैसा आ कहाँ से रहा है, मालिक की पॉलिटिकल प्रतिबद्धता क्या है, अखबार का जो मालिक है किस पार्टी का टिकट लेके लड़ रहा है। ये चीजें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इसके कारण एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। चले, यानी कि आप के मैं तमाम स्टेटमेंट्स का अगर जिक्र करूं, आप एक बात कहते हैं कि इस बार के इलेक्शन पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है एक तरह की, मैंने आपके तमाम इंटरव्यूज देखे उसमें, लेकिन हाँ, लेकिन जब यही चीजें फंडिंग को लेकर आम आदमी पार्टी की आती है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी इस देश की एकमात्र पार्टी है जो अपने एक एक पैसे का जवाब, पैसे का हिसाब जनता के सामने रख रही है, रखेगी नहीं कह रहा मैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कि वेबसाइट पे बताती है कि हमें किससे चंदा मिला, कब मिला, कितने बज के कितने मिनट पे मिला, कितना मिला। उस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न तो पूछे जाएं। फॉरेन फंडिंग की बात उछाली गई, उछाली कांग्रेस ने भी थी दिल्ली इलेक्शन से पहले। उनकी होम मिनिस्ट्री ने हमें क्लीन चिट दे दिया, कांग्रेस का मुंह बंद हो गया, अब कांग्रेस तो बोलेगी कैसे, अब किसी और के मुंह से उछाला जाता है। विदेशी पैसा लेना किसी भी राजनीति के लिए इस देश में गलत बात ही नहीं है, बहुत संगीन अपराध है। मैं आमंत्रित करता हूं कि भाई किसी के पास हमारे को $1 लेने का आरोप हो, कृपया आइए, मुकदमा कीजिए, आम आदमी पार्टी को उल्टा लटका दीजिए, तो बहुत संगीन अपराध है। सड़क पे क्यों उछालते हैं भाई, इसको आके कीजिए। मीडिया से भी मैं कहता हूँ, जांच कर लीजिए थोड़ी सी इन चीजों की, और जब जांच करने का पूरा वक्त हो जाए उसके बाद 2-4 मिनट और निकाल लेना, देखना कांग्रेस और बीजेपी का पैसा कहाँ से आता है। थोड़ा पूछना कभी आप नरेंद्र मोदी जी से, उनके हवाई जहाज का पैसा कहाँ से आता है। हर 10 मिनट में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की छवि टीवी पे दिखाने के जो सैकड़ों करोड़ों का व्यापार है, पैसा कहां से आता है, थोड़ा उनसे भी पूछिए ना। लोग एक्सेप्ट नहीं, हमें कहे कि अगर हम उनसे ये सवाल करें, अब कोई नहीं मानना चाहता, आप नहीं मान रहे, नरेंद्र मोदी क्यों मानेंगे, राहुल गांधी क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पावर देने की बात करते हैं, लेकिन जब हम रूलिंग होते हैं हम भूल जाते हैं। जीना जी, हम में और उनमें अंतर ये है कि हमारे एक एक पैसे को आप वेबसाइट पे जाके ट्रैक कर सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी का भी पूछ लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जीनत जी, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि सारा पूछने की हिम्मत आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हम आ जाते हैं आपके स्टूडियो में जवाब देने। नरेंद्र मोदी को तो आप जाके गुलाब का फूल नहीं पकड़ा सकती, पूछ अगर पकड़ा सके किसी दिन मुझसे आके प्राइज ले जाइएगा उसके। योगेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को फूल भी पकड़ाएंगे और सवाल भी करेंगे जो आप बात कर रहे हैं। कब किया था आखिरी बार आपके चैनल में नरेंद्र मोदी से कोई सवाल? ये आप पलटने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। अगर सवाल देखिए, मैं हम मीडिया आपसे योगेंद्र जी पूछ रहा हूँ, योगेंद्र जी इस वजह से होंगे क्योंकि जनता आप पर भरोसा दिखाती है, दिल्ली इलेक्शंस में दिखाया। नहीं देखिए योगेंद्र जी, आपसे सवाल इस वजह से हो रहे हैं, और हम अगर ये कहें कि ठीक है कोई नहीं कर रहा तो आप भी नहीं करेंगे। जीना जी, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप हमसे पूरा पूछिए, भरपूर पूछिए, उसके बाद 5 मिनट और निकालिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा मैं मांग रहा हूँ, वो कांग्रेस और बीजेपी से भी पूछ लीजिए। नहीं, उनसे भी सवाल, योगेंद्र जी उनसे भी सवाल होते हैं। आपकी चैनल में या इस देश की किसी भी चैनल में कांग्रेस और बीजेपी के पैसे के बारे में कब सवाल पूछे गए थे, आप बताइए, आप उत्तर दीजिए ना। बिल्कुल योगेंद्र जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे, बहुत सारे आरोप भी हैं तो बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, उससे परे अगर मैं आप
की बात करूं, गुड़गांव संसदीय क्षेत्र आपने चुना, क्या अनुभव किया वहां पर, किस तरह का समाज आपको देखने को मिला? पहले तो आपने शायद जिक्र किया था कि अहिरवाल में मैं चुनाव लड़ने गया, मतलब मजे की बात यह है मेरा जन्म वहां का है। हाँ। मेरा गांव वहां का है, मेरा घर परिवार वहां का है। अब मैं कहां लड़ने जाऊं? अगर मैं लड़ता हूं दिल्ली से, आप कहेंगे आपने सेफ सीट चुन ली, तो मैं केरला जाऊं, मैं तमिलनाडु जाऊं, मैं कहां जाऊं लड़ने के लिए? बार बार मुझसे प्रश्न पूछे गए, दिक्कत ही है। आप योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपकी मातृभूमि है, आपका वहां से जुड़ाव है, आपका ही स्टेटमेंट है कि मैं कम यहां आया हुआ हूं, बहुत ज्यादा नहीं आ पाता हूं, इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए जुड़ना होता है, लोगों से मुखातिब होता हूं, ज्यादा बातचीत हो जाती है, और अब जान रहा हूं चीजों को, समझ रहा हूं, ये आपकी ही लाइंस हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुड़गांव में, ये मैंने नहीं कहा था, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, मैं थोड़ा सोच के बोलता हूं आमतौर पे। बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि मैं नौकरी दिल्ली में कर रहा हूं, अपनी मातृभूमि में और कर्म भूमि में। पिछले 12 साल से हरियाणा संपूर्ण क्रांति मंच बना के हम वहां पे काम कर रहे हैं, कम आना होता है। नौकरी तो जाहिर दिल्ली में करता हूँ, कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है, कोई सीक्रेट बात तो है नहीं कि नौकरी दिल्ली में की, लेकिन ये कि वहां से संबंध नहीं है, ये कि वहां जाना नहीं होता, ऐसी बातें तो मैंने कही नहीं। हाँ, ये मैंने जरूर कहा कि मैंने चुनाव के दौरान सीखा, जो मेरी अपनी मातृभूमि है जहाँ मैंने इतने साल काम किया, उसका कोना कोना मैंने देखा नहीं था। चुनाव ने मुझे सिखा दिया, चुनाव ने मुझे बहुत बहुत छोटा बना दिया, सिखाया कि देखो कितना कुछ दुनिया में सीखने के लिए, ये बात बिल्कुल सच्ची है। योगेंद्र जी, बिल्कुल आप एक बात कह रहे हैं कि आप वहां गए, आपने तमाम चीजों को सीखा। अगर गुड़गांव अहिरवाल में बात, अगर हम सिर्फ गुड़गांव का जिक्र करते हैं, तो तीन चीजें हमें देखने को मिलती है, तीन तरह का मेवात, जो कि बिल्कुल पिछड़ा नजर आता है, आपने भी वहां पर अब जनता से जुड़े हैं। उसके बाद अगर अहिरवाल क्षेत्र की बात करें, अपनी एक खेती बाड़ी, अपनी ही एक दुनिया, और एक वो गुड़गांव जो हाईटेक सिटी है, काफी हद तक ग्लैमर है, जहां पर क्या फर्क महसूस किया? खैर, पहली बार तो महसूस नहीं किया, मैं तो वहाँ 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। गुड़गांव की खासियत, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की खासियत ये है कि उसमें तीन दुनिया है, तीन दुनिया जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। लोग गुड़गांव की हाई बिल्डिंग दिखा देते हैं, उसके चमचमाती हुई बिल्डिंग्स, लेकिन वो तो उस लोकसभा क्षेत्र का 10% भी नहीं है, बाकी शहरी इलाके हैं, और फिर बड़ा ग्रामीण इलाका है जिसको आप अहिरवाल कह रहे हैं, गुड़गांव का ग्रामीण क्षेत्र और रेवाड़ी का ग्रामीण क्षेत्र वो है, जहां किसान की दिक्कत है, सूखी खेती है, बारिश पे निर्भर है, और बुनियादी शिक्षा और इन चीज़ों की सुविधाएं ठीक ढंग से नहीं दी गई हैं। और फिर है मेवात, जो कि इस देश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से है, सिर्फ हरियाणा का नहीं, सिर्फ गुड़गांव का नहीं, देश में सबसे कम औरतों की शिक्षा जहाँ है उन इलाकों में से है। इन तीनों इलाकों को जोड़ के इसका एक सपना बना सकना, ये राजनीति की चुनौती है। मैं नहीं समझता कि आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल हम इस चुनौती से ही आपसे समझना चाहेंगे। अगर ये भी, अगर आरोपों की बात करें, विरोधियों की चुटकी लेने की बात करें, ये आपसे जानना चाहेंगे कि सलीम कौन है? ये आरोप लगते हैं कि जब आप मेवात में जाते हैं तो सलीम बन जाते हैं, वो चेक वाला कुर्ता पजामा वाइट पहनते हैं और उसके ऊपर चेक वाला साफा लेते हैं, और फिर ये दिखाने की कोशिश की मैं यहीं से हूं। आप अहिरवाल जाते हैं तो यादव बन के वोट मांगते हैं, ये आरोप लगते हैं आप पर, क्या पोलराइजेशन की कोशिश? अब फिर मैं मीडिया के बारे में कहूंगा, आपको तकलीफ तो होगी, मैं आपको बताता हूं। जीना जी, अब आप उत्तर सुनिए, तकलीफ नहीं होगी जीना जी, यहां पे तकलीफ नहीं होगी ना, आप बताइए। एक चेक वाले साफे का तस्वीर आप अपने जनता टीवी पे चला दीजिए, अभी चलाइए, अभी नहीं, दो दिन में चला दीजिए, 48-72 घंटे में चला दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरा, मैंने कम से कम 200 मीटिंग मेवात में एड्रेस की होंगी, एक मीटिंग में आप दिखा दीजिए कि मैं अपने बचपन के नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितनी टेलीविजन फुटेज होगी मेरी, तो हजारों घंटे की फुटेज होगी। आपके बचपन का नाम सलीम था? आपको मैं पूरा किस्सा सुना देता हूँ, लेकिन पहली चीज आपको ये बताऊं कि आप एक जगह दिखा दीजिए कि मैंने इस नाम का इस्तेमाल किया जी। मैं राजनीति से संन्यास ले लूं।